आज मैं आपके लिए दो तरह की ऐसे सूप की रेसिपी लेके आ रही हूँ। इस सूप को पीने से आपकी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ साथ इसे अल्सर के जो पेशेंट होते हैं, पेट में जिनके घाव हैं, छाले हैं, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए, पहला जो हम बनाने जा रहे हैं ये ड्रिंक ऐसा है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एंटी पायरेटिक, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो लहसुन होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। चाहे पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हों या फिर अल्सर के, उनको लहसुन लेने का एक अलग तरीका है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए करना क्या है, आपको लहसुन को छील लेना है। लहसुन जो होता है गार्लिक, ये हीलिंग करने का काम करता है, घावों को भरने का काम करता है। तो आपको बनाना है गार्लिक वाटर। तो ये देखिए गार्लिक वाटर आप कैसे यूज़ करेंगे। डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी पेट में जलन होने लगती है। तो इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, या पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंटों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये देखिए, आपको एक कली लहसुन की सिर्फ लेनी है इस रेमेडी के लिए, यानी ये जो आपकी ड्रिंक बननी है सिर्फ एक कली लहसुन इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से लहसुन को कद्दूकस कर लीजिए, और आप देखिए इसे डायरेक्ट नहीं खाएंगे, आपको कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आपको लेना है एक गिलास पानी। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं या फिर हल्का गुनगुना पानी। तो एक गिलास वाटर ले लीजिए। इसमें जो लहसुन आपने एक लहसुन लिया, उसे कद्दूकस करके इस तरह से ढक के आपको ओवरनाइट के लिए रख देना है। रात में इसे ढक के रखिए जब सोने लगते हैं, और सुबह सुबह इस पानी का सेवन करें। इस पानी को पीने से आपकी जो गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये सारी समस्या तो पूरी तरह से दूर हो जाती है। साथ साथ एक कब्ज को दूर करता है। पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसे पेशेंटों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये नसों को, सूजन को शांत करता है, नॉर्मल पेजेंस में बहलाता है, जिससे जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनकी मस्से भी दूर हो जाते हैं, और फिशर, फेस्टुला की जो घाव होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो देखिए इसे लेने कैसे है। जब रात में आप इसे भिगा देते हैं ओवरनाइट के लिए, तो इसका पूरा अर्क इस पानी में आ जाता है। सुबह इसको छान के लीजिए, यानी जो लहसुन इसका वेस्टेज है उसे आप अगर चाहिए तो चबा के खा सकते हैं पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट। लेकिन अल्सर के पेशेंट अगर हैं तो आप इस तरह से छान के इस पानी को पिएंगे, इससे पेट में जलन भी नहीं होगा। ये घाव को भरने का काम करेगा, हीलिंग करने का काम करता है। यहाँ तक जो फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनके घाव भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो फिशर, फेस्टुला के पेशेंट भी इस ड्रिंक को ज़रूर पिए, बहुत इफ़ेक्टिव ड्रिंक होता है। पाइल्स के पेशेंटों के लिए तो रामबाण औषधि है, आप इसे करेंगे तो आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। दूसरा जो बनाने जा रही है एक सूप है। इस सूप को पीने से बवासीर जो होता है, बवासीर की पूरी बीमारी यही होती है कि जो नस मार्ग पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, उनको ये बिल्कुल से हील करके ठीक कर देता है। तो आप कैबेज का सूप बहुत इफ़ेक्टिव होता है इन बीमारियों के लिए। चाहे पाइल्स हो या फिशर हो या फेस्टुला हो या फिर अल्सर के पेशेंट हैं, उनके लिए कैबेज एक दवा की तरह काम करता है। तो देखिए इसे यूज़ करने कैसे करना हो। इसकी एक एक पत्तियों को आप सेपरेट करके एकदम सफाई से इसको धुलिए, उसके बाद यूज़ किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस पत्ता गोभी होता है इसके अंदर कीड़े भी पाए जाते हैं। इसलिए आप इसकी एक एक, देखिए इस तरह से हम निकाल रहे हैं, ऐसे आप इसको अलग करिए, सेपरेट करिए, उसको धुलने के बाद छोटा छोटा चॉप करके तैयार करिए। और देखिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे इस सूप के लिए। इस सूप को पीने से ये बहुत अच्छा इफेक्ट ऐसा डालता है, जब पेट के अंदर जाता है तो कोई भी किसी भी तरह का अगर घाव है या कोई नसें सूज गई हैं तो उनको ये शांत करता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपको एक दो दिन में सूप पीने से आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। लेकिन आप इस तरह से सूप बनाइए जैसे बताया जा रहा है, इसको आप पी के देखिए। एक हफ्ते के अंदर आप खुद ही कहेंगे कि आपके पेट में जो इस तरह से जलन होता था, या फिर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट थे जिनको बहुत ज़्यादा दर्द और मसलों में तकलीफें होती थी, या फिशर और फेस्टुला के पेशेंट हैं उनके घाव के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हील कर देता है पूरी तरह से। इसके अलावा आप देखेंगे एक प्याज इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। एक प्याज मीडियम साइज़ का आप प्याज लेंगे। एक प्याज को आप इसमें इस तरह से फाइन फाइन सा चॉप कर लीजिए, बारीक सा जितना आप कर सकते हैं उस तरह से करिए। प्याज भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, घाव को भरने का काम करता है, हीलिंग करता है, नसों को शांत करता है। तो आप इस तरह से प्याज को, आप एक प्याज यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें एक लहसुन आप यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे लहसुन भी ले रहे हैं, तो लहसुन आप एक कली या दो कली इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सूप बनेगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है पेट के लिए। तो देखिए कट कर लिए हैं, अब चलिए इसको हम सूप आपको बताते हैं कैसे बनाना है।
बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। देखिए इस तरह से लहसुन हो गया, प्याज और कैबेज, इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर सूप बनाया जाता है तो ये बवासीर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिस्टुला फिशर के पेशेंटों को भी बहुत जल्दी इससे आराम हो जाता है, तो इसे लगातार आप दिन में एक बार तो ज़रूरी पीजिए। सुबह के टाइम पर इसको सूप बना लीजिए, सुबह के टाइम पर आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर ज़रूर पिया करिए। ये देखिए कट किया, अब चलिए बनाते हैं। ये बनाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक लेंगे इसमें पैन ले लेंगे, इसको बनाने के लिए आप कोई भी पैन ले लीजिए और उसमें आप डाल देंगे पानी। तो इसकी जो मात्रा होती है, जैसे कि अगर आपको एक गिलास सूप आपे बनाना है तो आप उसकी डबल क्वांटिटी लेंगे, दो गिलास के करीब आप इसमें पानी डाल दीजिए। और ये जो आपने कैबेज और प्याज और ये आपने लहसुन कट करके रखा है ना, इसको इस पानी के अंदर डाल दीजिए और आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पर करते हुए इसे तब तक उबलने दीजिए जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता। जब ये आधा हो जाएगा तब आप इसे छान के इस पानी को यूज़ करेंगे। हम आपको दिखाते हैं ये कैसे आपको यूज़ करना और इसमें क्या ऐड करना है। ये देखिए कैबेज एक कटोरी के करीब आप जब काटेंगे तो आप नाप के देखिए एक कटोरी आपको कैबेज होना चाहिए। ये जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके ये उनके लिए कैबेज का सूप बहुत इफेक्टिव होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई किया करिए, आपके पेट के अंदर के जो घाव हैं छाले हैं उनको भी पूरी तरह से ठीक करता है। हमने बताया कई ऐसी रेसिपी भी दी है अल्सर के पेशेंटों के लिए कि किस तरह से कैबेज और गाजर और खीरे का जूस बना के हम पीते हैं, उससे भी अल्सर ठीक हो जाता है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन कब जो पाइस फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है ये सूप। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए और उसे ढक के आप इसे मीडियम टू, जैसे मैं बताया लो टू मीडियम पे आप करके इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पकने दीजिए। फिर ये पूरा अर्क जो होता है ना कैबेज का और ओनियन का और ये जो गार्लिक हमने डाला है ये पूरा अर्क इस पानी के अंदर आ जाएगा और इस पानी को आप पियेंगे हल्का गुनगुना ही पीना है। तो देखिए बन गया है, अब आप देख रहे हैं पानी की मात्रा भी आधी हो गई है। तो बस अब इस तरह से आप एक बार ढक के फिर से देखिए आधा हो गया। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, ये हल्का जब गुनगुना रहे तभी आपको पीना है। तो इसे आप छानेंगे, देखिए इसको आपको दिखा रहे हैं पानी का कलर कैसे चेंज हो जाता है। आप जब इसे रखेंगे और आधा पानी हो जाएगा तो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। बस ये देखिए हमने रख दिया, अब इसे हम देखिए चलिए आपको छान के दिखाते हैं किस तरह से इसको पीना है। अब इसे हम छान लेंगे स्ट्रेनर लेके और इसको आपको दिन में जैसे हमने बताया है सुबह सुबह पीजिए या फिर रात के टाइम पे सोने से पहले भी एक बार ये सूप बना के पीजिए। अगर आप इसे 2 बार दिन में पीते हैं तो 7 दिन के अंदर ही आप देखेंगे आपकी ये सारी बीमारी पूरी तरह से कैसे दूर हो जाती। तो इस सूप को अगर आप दिन में 2 बार पीते हैं तो आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए ये बन गया है। अगर आप स्वाद इसमें चाहते हैं थोड़ा सा स्वाद बढ़ाना तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ऐड कर लीजिए, सेंधा नमक या फिर काला नमक ही ऐड करेंगे। लेकिन अल्सर के पेशेंट इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही इसमें चाहें तो आप शहद ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, उस तरह से पीजिए। लेकिन आप इसे बिल्कुल मेडिसिन की तरह पीजिए, स्वाद भी ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने बना के पिया है तो टेस्ट भी इसका ख़राब नहीं, आप पियेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसे 2 टाइम पर ज़रूर पीजिए, फिर देखिए किस तरह से पाइल्स फिशर फेस्टुला अल्सर की बीमारी कैसे धीरे धीरे आप खुद ही अपने हाथों से इसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं इसकी कोई ऐसी दवा परफेक्ट नहीं है कि आप इसे खाइए और ठीक हो जाइए। अगर खान पान में परहेज करेंगे, ऐसी खाने पीने की चीज़ आप रेगुलर अपने डाइट में लेंगे तो 100% आप अपनी बीमारी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और ये जो पानी बनता है ना सूप है, इससे जो मस्से होते हैं ये आप फेस्टुला के घाव हैं फिशर में जो खुजलाहट होती है उसमें इसी पानी को आप एक कॉटन में लगा के उसको उससे वॉश किया करिए, फिर देखिए मस्से कैसे ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो आपका वेस्टेज बचता है ना कैबेज है और प्याज और लहसुन जो था इसमें भी हल्का सा नमक वमक इसको रख के आप इसको सैलड की तरह खा लीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है तो आप इसे खा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए सॉफ्ट भी हो गया है, या फिर आप दही ले लीजिए उसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए और इसका रायते की तरह इसको उसमें डाल दीजिए इन सब्जियों को और उसे यूज़ कर लीजिए। इसे फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो आप इस तरह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान दीजिए और आप देखेंगे किस तरह से दूर हो जाता है आपकी ये बीमारी। तो बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है फाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फेस्टुला के लिए, साथ साथ अल्सर के पेशेंटों के लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर जिसको रहता है वो भी इस रेमेडी को यूज़ करें, उनकी कब्ज की समस्या भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये दोनों तरह का जो ड्रिंक बताया गया इसे आप दोनों टाइम पे लेना स्टार्ट करिए। लहसुन का जो अर्क है आप उसे एक बार ले सकते हैं और ये जो सूप बनाए इसे दिन में 2 बार आप लिया करिए, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।
Thank you.